चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनएमसी बिल के सेक्शन 10 के पैरा 1 के सब पैरा 1 में प्रावधान है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज और डिम्ड यूनिवर्सिटी की कुछ सीटें गवर्नमेंट फीस पर होंगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के इस प्रकार से कॉमेंट्स आ रहे हैं कि आखिर इस मैटर का क्या हुआ, क्या इस साल से ये रूल लागू हो सकता है? अगर इस साल से ये रूल लागू होता है तो कट ऑफ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? तो इसके बारे में मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में बुक लिख दी है। आप इसको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने वो सब कुछ जानकारी दे दी है जो आप जानना चाहते हैं। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। मार्च 2020 में जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एमसीआई के चार्ज में थे तब इसके रिगार्डिंग एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, मगर बाद में परिस्थिति ऐसी बनी कि कोरोना का कहर स्टार्ट हो गया और बाद में जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चार्ज एनएमसी ने ले लिया तो उस ड्राफ्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी इसी सेक्शन 10 के अंडर एनएमसी ने फीस रेगुलेशन के गाइडेंस का एक ड्राफ्ट तैयार किया है और उसको 25 मई 21 को पब्लिक कमेंट्स के लिए सार्वजनिक किया गया था। उसमें एमबीबीएस और पीजी की फीस रेगुलेशन के रिगार्डिंग 26 पॉइंट्स हैं। इसमें प्राइवेट और डिम्ड यूनिवर्सिटी की फीस रेगुलेशन करने के लिए स्टेट फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी को गाइडेंस दी गई है, जिसमें इन प्राइवेट कॉलेजेस और डिम्ड यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट कोटा फीस पर भी फीस इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। ये गाइडलाइन का अभी ड्राफ्ट ही है, इसमें अभी और कुछ चेंज भी हो सकता है। ये कहना इम्पॉसिबल है कि ये इसी साल से इंप्लीमेंट हो जाएगा या फिर ये अगले साल से होगा। ये तो अभी काउंसलिंग जब आएगी ये ही समय बताएगा कि इस साल होता है या नहीं होता है। ये गाइडलाइन अगर इसी साल से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो स्टूडेंट को काफ़ी राहत मिलेगी। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको सीट मिलेगी और कट ऑफ कम रहेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर उनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज की 50% सीट ऑलरेडी गवर्नमेंट फीस पर हैं, जैसे कर्नाटका, त्रिपुरा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब। ये ऐसे स्टेट हैं जिनमें ऑलरेडी 50% सीट्स गवर्नमेंट फीस पर हैं और महाराष्ट्र और एमपी में स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके कारण जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उसी साल एडमिशन ले लेते हैं। इनकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं रहती क्योंकि बैकलॉग हर साल नहीं होता है, लेकिन जो हाई कट ऑफ के स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, केरला, तो इनकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर ये फीस इस बार से रेगुलेट हो जाती है तो हर साल कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं वो हर साल एडमिशन ले लेंगे तो आने वाले समय में इतना ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगा। इस बात को हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी इसके बारे में। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या हुआ इस मैटर का, अभी फीस इस साल रेगुलेट होगी या नहीं होगी, तो इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूज था। तो अभी ये अभी लागू हुआ नहीं है, ये गाइडलाइन अभी लागू हुई नहीं है। हो सकता है ये इस साल लागू हो जाएं या फिर ये अगले साल भी लागू हो सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये इसकी प्रेजेंट सिचुएशन थी जो मैंने आपको बता दी है। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।